पाकिस्तान बनया हजूर दे नाल नाल। और इतने वड्डे वड्डे अहुदे तुहानू सिर्फ पाकिस्तान की वजह तो मिले, उत्तों लैके थले तक सारे मेरी गल सुन लो, तो कल खोल के सुन लो। तवज्जो तवज्जो, रबूदियत गौरे मां उस मोती तुसी इस्लाम दे नां ते अहुदे वड्डे वड्डे तुसी इस्लाम दे नां ते लैके बैठे हो, अरबा रुपए तुसी पाकिस्तान दे नां ते खांदे हो वड्डे वड्डे अहुदे लैके, ते जदो इन्हां अहुदियां दे इस्तेमाल करन दी वारी आई ते तुसी मिर्ज़ाइयां दे हक च इस्तेमाल करदे हो। तुहानू रब ने इस वास्ते वड्डे वड्डे अहुदे दित्ते, पाकिस्तान इस वास्ते बनिया सी, और लखां मुसलमानां कुर्बानियां इस वास्ते दित्तियां सन कि इत्थे मिर्ज़ाइयत नूं उत्ते लिया जाएगा। हर दो महीने बाद मिर्ज़ाइया की गल होगी? ना 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 ना, जब रसूलुल्लाह आ गए तो सैकड़ के भी करोड़ों हिस्से किए जाए तो किसी और का जिक्र नहीं हो सकता। जब भी कोई बात होगी तो रसूलुल्लाह की बात होगी। तवज्जो, एक नवा अकबरी दीन, अकबरी दीन, अकबरी दीन ऐसे ही था ना मुला, अकबरी दीन, इंसानियत, एक नवा मजहब कढ़िया इन्होंने, इंसानियत की बात करो। मैं कहा इंसानियत दसी कि नहीं, और मामा दे लोग रस्सियां पा के मंडियां च बेचते होंगे, तू इंसानियत की बातें करता है? आज भी यूरोप में कौन सी इंसानियत है? इकबाल कहता मैं पूरा यूरोप फिर मैनू तो एक भी बंदे का पुत्र थे कोई नहीं नजर आया। इंसानियत की बात वो जिन्हें इंसानियत दसी गल उन्होंने कर, लोग मावा नू मंडियां च बेचते है, धिया जिंदा जिंदा दर गौर कर देंगे। ए रसूलुल्लाह ने दसिया मां की हैसीयत, धिया की हैसीयत। आज दीन की बात ही कोई नहीं, जिससे सुनो टीवियों पर बैठकर इंसानियत, कौन सी इंसानियत की बात कर? इंसानियत रसूलुल्लाह ने बताई। खुलो के अजीम के मालिक मेरे आका और मौला है।